श्रोताकण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण बनाने देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और विश्व केंद्र वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने वाला, शांतिपूर्ण से अस्तित्व देने वाला, सबको सुख से जीने की कला बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए ऐसे सुंदर विषयों का चयन करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि हर विषय मानव की नई दिशा को उद्घाटित करता है, उसके जीवन निर्माण की बात करता है और हर विषय के अंदर ये गंभीरता लाई जाती है किस तरीके से अच्छे संस्कारों का वपन हो। तो इसी क्रम में संस्कारों से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय है कि बच्चों में संस्कार निर्माण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और अति उपयोगी विषय है। बच्चे जो होते हैं हमारे देश के कर्णधार होते हैं, वे भावी देश का निर्माण करने वाले होते हैं, भावी विश्व का निर्माण करने वाले होते हैं। बच्चे का जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होता है, बच्चे का जो है जीवन होता है एक स्लेट की तरह होता है। हमें उस पर क्या लिखना है, उस खुली पुस्तक पर क्या लिखना है और उस खाली स्लेट पर क्या लिखना है, वह एक संस्कार कहलाता है। यानी हमें कौन से गुण देने हैं। संस्कार का अर्थ होता है कि हमें कौन सी उसे अच्छी अच्छी बातें बतानी है, कौन से अच्छे अच्छे मूल्य देने हैं जो कि उसके जहन में उतर जावे, जो उसके जीवन में उतर जावे। और बचपन का जीवन, जो 10 साल की उम्र का जीवन होता है, एक कॉपिंग जीवन होता है। वो अपने माता पिता को देख करके, घर के वातावरण को देख करके वैसा बनता है, क्योंकि हाइएस्ट कॉपिंग पावर जो है, इंटेंसिटी ऑफ द कॉपिंग पावर इज हाइएस्ट इन द टीनी एज अप टू द एज ऑफ द 10 ईयर्स। तो ये एक ऐसा समय है, जैसे कि ये किसान होता है जब अच्छी बरसात हो जाती है और जमीन को समतल कर निदान कर दिया जाता है, जमीन से फालतू जो पौधे हटा दिए जाते हैं, वह उपयुक्त समय होता है बीज वपन करने का। अगर उस समय के अंदर बीज वपन किया जाए तो प्रकृति का सहयोग होता है, वर्षा होती है, वहां का जलवायु ठंडा होता है, उस बीज को पौधा बनने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और एक स्वस्थ पौधा बनता है। और वो पौधा जाकर के एक ही जगह हजारों हजारों बीज फूड ग्रेन्स देता है या वट वृक्ष बनता है। आगे जाकर के बीज बहुत छोटा होता है, वह छोटा बीज कारण कहलाता है और वट वृक्ष कार्य होता है। इतना बड़ा वट वृक्ष होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, क्योंकि बीज बहुत सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है, स्थूल सूक्ष्म से गाइडेड होता है। जैसे कि वट वृक्ष होता है वह बीज से बनता है, उसी तरीके से बच्चा भी एक बीज की तरह है। अगर उसे एक महान व्यक्ति बनाना, उसे स्वामी विवेकानंद बनाना, उसे महात्मा गांधी बनाना है, उसे जवाहरलाल नेहरू बनाना है या इंदिरा गांधी बनाना, सरदार पटेल बनाना है, तो प्रारंभ से पुतली बाई की तरह, जो शिवाजी की माँ थी, उसने संस्कार बचपन से दिए तब जाके शिवाजी बने। किसी भी महात्मा के जीवन को उठा करके देखिए, उसको बचपन के अंदर उसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए, उसके पिता ने अच्छे संस्कार दिए, उसी कारण से महान बनता है। हर एक का जीवन उठा करके देख लिए, वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि उसका जन्म माँ बाप से होता है। माँ बाप के प्रेम का जो फल होता है वो बच्चा होता है और बच्चा उसको जान से प्यारा होता है, इसलिए उसका सिंचन भी वैसा ही करते हैं। माँ बाप अपने जीवन का जो है बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बस उनको एक ही तमन्ना होती है कि मेरी संतान अच्छी बने। मैं रुपया हूं तो मेरी संतान सवा रुपया बने। और संतान की खुशी में जब संतान को आगे बढ़ते हुए देखती है तो माँ और बाप इतने प्रसन्न होते हैं जैसे कि जीवन का खजाना मिल जाता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा उसका प्रिय अंग होता है, वो उसकी प्रिय वस्तु होते। ऐसे बच्चों के अंदर हमें संस्कार भरने चाहिए। कैसे संस्कार भरने चाहिए? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि बच्चा कॉपिंग करता है तो माँ बाप को, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को, बड़े भाइयों को,
सबको ये देखना चाहिए कि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने टीचर से सीखता है, घर में अपनी माँ से सीखता है। माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, माँ सबसे मदर टंग कहा जाता है। सबसे पहले तुतली भाषा के अंदर बच्चा बोलता है तो वो माँ उसको शब्द अ आ ई ए बी सी डी या जिसकी जो भी लोकल लैंग्वेज राजस्थानी जो है पंजाबी गुजराती जैसी भी होती सीखती, तो बच्चा वो माँ के उन शब्दों से सीखता क्योंकि माँ के पास में बचपन में ज्यादा हो तो माँ ज्यादा संस्कार भर सकती है। पिता भी भरता है लेकिन पिता को समय और अपने व्यवसाय वगैरह में वो घर के बाहर रहता है। बच्चा छोटा होता है 8-10 साल का बच्चा तो ज्यादातर स्कूल को छोड़ करके ज्यादा समय अपनी माँ के साथ में निभाता है, तो माँ उसको बहुत बड़े अच्छे संस्कार देती है। कोई भी हो, हम घर के बड़े सदस्य, हमारा प्रथम दायित्व है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अब अच्छे संस्कार क्या होते हैं, हम लिस्ट बनाएं, एक तो बुराइयां और एक अच्छाइयां। जितनी जितनी अच्छाइयां हैं वो अच्छे संस्कार है, जितनी जितनी बुराइयां हैं वो कुसंस्कार है। बुराइयां हमें गर्त में ले जाती। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर जाता है एक रास्ता नीचे जाता है। बुराई का रास्ता है वो नीचे जाता है जन्म में, और अच्छाई का रास्ता है वो जन्नत में जाता है। बड़ा एक सिंपल सा जो है हमारा रूल है, इस सृष्टि का नियम है कि हम अच्छाई की ओर अग्रसर हुए हैं, अपने जीवन को अच्छाई की ओर मोड़े, और अच्छाई को मोड़ने के लिए संस्कार प्राप्त करने के लिए हमारा बचपन सबसे अच्छा है। संस्कार दिए जाने के लिए बचपन सबसे अच्छा है। बचपन के अंदर कोई भी चीज अगर व्यक्ति के जहन में बैठ जाती है तो वो जिंदगी भर याद रहती है। आपको कभी भी ध्यान होगा क्योंकि बचपन के अंदर हमारा जो अवचेतन मन है जो कि हमारे ज्ञान का भंडार है, रूपांतरण की फैक्ट्री है, उसमें रूपांतरण सबसे ज्यादा बचपन के अंदर होता है। बचपन में उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वो बदलता रहता है। आपने कभी सोचा होगा कि अब 4 साल 5 साल के थे तो आपको वो चीज आज भी 60-70 साल के बाद में उसी तरीके से याद है कि ऐसे लग रहा है कि वो मेरे साथ में आज ही घटित हुई है। क्यों? कि वो हमारे अवचेतन मन में चली गई है। जो चीज अवचेतन मन में चली जाती है वह चीज हृदयंगम हो जाती है, वो आत्मसात हो जाती है। तो आत्मसात करने का जीवन, अच्छे संस्कार देने का, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने के लिए प्रकृति प्रेमी बनाइए उसको। बच्चों में ये संस्कार भरिए कि टू स्लीप in time and to get bed early is the sign of the health, and a sound mind exists in sound body. हमारा अच्छा मस्तिष्क, अच्छा मन है वो हमारी अच्छी बॉडी के अंदर निवास करता है। तो हमें बॉडी को जो है प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा जो है सशक्त बनाना चाहिए। ये बच्चे को योग सिखाना चाहिए। योग ऐसा क्रम है कि जो योग भगावे रोग। योग जो है हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। योग ऐसा एक होलिस्टिक सिस्टम है जो कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम हमारा साध्य है, मोक्ष तक जाता। योग भारत की कृति है, भारत में जन्मा है, और एक ऐसा सिस्टम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है जो प्रारंभ से बचपन से लेकर के और अंतिम समय तक निर्वाण की अवस्था तक ये कार्य करता है। और वो उसके अंदर सूत्र दिए हैं, जैसे पतंजलि का योग सूत्र दे गए हैं, तो अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंदर बताया गया है कि जो है अनशन बताया गया, उसके अंदर 8 अंग है। उन 8 अंगों के माध्यम से अगर हम कार्य करें, देखें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को जो है अनुलोम विलोम सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को भस्त्रिका सिखानी चाहिए। बच्चों को जो है वो हमारे योग के कई बड़े बड़े सिद्धांत, प्रयोग अभी समय नहीं है प्रयोग कराने का, अगर प्रयोग कराया जाए तो बच्चों के अवश्य कराना चाहिए। और दूसरा ये है बच्चों के अंदर जो है हमें ये संस्कार, सत्य के संस्कार बढ़ने चाहिए। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन के अंदर महात्मा गांधी ने बहुत सी गलतियां की। महात्मा गांधी ने बीड़ी पी, महात्मा गांधी ने चोरी की, अपने पिता की जेब से पैसे निकाल दिए, भाई की पैसे पैसे निकाल दिए, अंडे खाए, और दूसरा है वो उन्होंने जो है नॉन वेजिटेरियन लिया। लेकिन बचपन में उसकी माँ का इतना एक कहना चाहिए संस्कार था, उसका प्रेम था कि माँ के सामने वो सारी सही सही की बात जो रख लेता था पुतली बाई के सामने,
तो जब उन्होंने कन्फेस किया कि मैंने ये गिल्टी की है, गिल्टी कॉन्शियस अपने आप को माना, तो उसका ऐसा असर हुआ कि उन्होंने जिंदगी भर जो माँ के संस्कार दिए हुए थे, माँ की जो शिक्षा दी हुई थी, उसको कभी भी जीवन के अंदर जो है वापस नहीं लाया। टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति जो है गलती का पुतला है, लेकिन ये हमें बच्चों को उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स समझाना चाहिए। ये है उपाधेय है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तीन शब्द चलते हैं, गेय, हे और उपाधेय। ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज है, जितने भी विचार है, सब जानने योग्य है, जानवा योग्य है, उसको गेय कहा जाता है। उसके बाद में हमारी बुद्धि अप्लाई की जाती है, हमारा विवेक अप्लाई करते हैं, हम कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। विवेक ये धम्म, विवेक ही धर्म है। उस विवेक को हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से दो धाराएं निकलती है, एक तो हे, एक उपाधेय। हे होता है बुराई, छोड़िए, और उपाधेय अच्छाई, ग्रहण कीजिए। जो चीज हमारे सामने आ रही है उसमें से मेरिट डिमेरिट को निकालिए, उसमें हे उपाधेय को निकाल करके विवेक शक्ति को जागृत करिए। तो बच्चों के अंदर विवेक शक्ति जागृत करनी चाहिए कि जो तुम खा रहे हो, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, और ये फास्ट फूड्स है जो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसको प्रारंभ से ये संस्कार भरने चाहिए, इसके अंदर ये नुकसान है, उससे हमारा पाचन शक्ति बिगड़ती है, हमारे जो है शरीर में जर्म्स आते हैं और हम बीमार पढ़ते हैं। ये फास्ट फूड हमारी संस्कृति नहीं है, और ये संस्कृति तो विदेशों की संस्कृति है जो आज अपनाई जा रही है। बच्चों को उसे रोकना चाहिए, और घर की बनी हुई रोटी सब्जी और घर के अंदर और सी बहुत सी चीजें बनती है, टेस्टी घर में भी बनती है, वो बच्चों के अंदर चाव पैदा करने चाहिए। अगर बच्चा प्रारंभ से ही एक चटपटे के अंदर चला गया और फास्ट फूड के चला गया, तो जीवन भर खाता रहेगा, वो मोटा हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, और उसके अंदर कामुकता आ जाएगी, और उसका जो है वो दिमाग सही काम नहीं करेगा। और उसके साथ साथ के अंदर बच्चे खान पान शुद्धि पे बहुत ध्यान दिया चाहिए। देखिए, दो तरह के खान पान होते हैं, एक तो वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है। जो कि हमारा देश जो है वो शाकाहार देश कहलाता है। पुराने जमाने का इतिहास उठा करके देखिए कि हमारी छाप थी शाकाहार के लिए, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के अंदर तेज गति से जो है मांसाहार बढ़ रहा है। ये हमारी जो है अच्छाई का सूचक नहीं है। लेकिन जैसा भी है, बच्चों के अंदर जो है वो वेजिटेरियनशिप के लिए, वेजिटेरियन के लिए, शाकाहार के लिए उनको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और शाकाहार के अंदर इस प्रकृति ने कितनी चीज़ें बनाई है, फल बनाए हैं, फ्रूट्स बनाई है, सब्जी बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती है। और मांसाहार करना सिर्फ जो है अपने जीवन को बिगाड़ना, और सबसे बड़ी बात है ये महान हिंसा है। किसी पंचेंद्रिय जीव को हम मारते हैं, तो देखिए बच्चों के अंदर ये भावना बढ़नी चाहिए, संस्कार दिया जाना चाहिए। अंडा खाया जाता है, उस अंडे से ही मुर्गी बनती है, और इसका अर्थ ये है कि हम अंडे को फोड़ते हैं, इसका मतलब किसी जीव का हनन करते हैं, उसको मारते हैं, बहुत बड़ी हिंसा है। वो अंडे को मारना नहीं है, हमारे को मारने के समान है। अगर हमारा कोई कत्ल कर देता, हमारा सिर काट देता है, वो उसी के समान है जैसे कि अंडे को काटा जाता है, मुर्गे को काटा जाता है, या बकरे को काटा जाता है। तो इसको रोका जाना चाहिए, इसके संस्कार दिए जाना चाहिए। तो इस तरीके जब प्रकृति ने एक मानव को जीने के लिए, मानव को खाने के लिए इतनी जड़ी बूटियां बनाई है और इतनी चीजें बनाई है, तो किस लिए बनाई है? वो अच्छाई के लिए बनाई है। और वो 100 साल की उम्र हमारी गिनी जाती, तो 100 साल की उम्र कब होती थी? हम प्रकृति के करीब रहते थे, प्रकृति से जो हमको डायरेक्ट मिलता था वो खाया कर, फल फ्रूट है, कंदमूल है, वो खा करके लोग 100-100 साल जीते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। इस शरीर के अंदर जो प्रकृति ऐसा यूनिबिल्ट सिस्टम बना रखा है, यूनिबिल्ट बना रखा है कि 100 वर्ष तक व्यक्ति अगर प्रकृति की गोद में रहे, प्रकृति के करीब रहे, प्रकृति के नियमों का पालन करे, प्रकृति माँ की पूजा करे, तो कभी भी बीमार नहीं हो सकता। तो ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि प्रकृति के करीब रहो। ज़्यादा एसी में रहना भी कोई जरूरी नहीं है, आदमी को जो है धूप के अंदर रहना चाहिए। हमारी जो विटालिटी बनती है, हमारी जो प्राण ऊर्जा बनती है, प्राण शक्ति बनती है, वो 4 चीजों से बनती है, पानी, भोजन, वायु और प्रकाश, यानी अग्नि। ये जठराग्नि भी उसी का भाग है, यानी हमें
कुछ समय विटामिन डी लेने के लिए हमें धूप के अंदर जाना चाहिए। एसी जो है हमारे लिए घातक है, एसी जो अननेचुरल जीवन है उसको छोड़ना चाहिए, बासी भोजन को छोड़ना चाहिए, प्रकृति के करीब आना चाहिए, ये बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे समय से उठे, समय से सोए और प्रभु भक्ति की तरफ उनको आकर्षित किया जाना चाहिए। बड़ों का ये कर्तव्य होता है कि वो घर में कोई कुछ ईश्वर प्राणिधान करे, चांटिंग करे, अच्छे अच्छे मंत्रों की, ईश्वर की भक्ति करे, मेडिटेशन करे, तो करने लगे तो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगेंगे। और खास तौर से अब मैं प्रैक्टिकल साइड पे आना चाहता हूं कि जो हमारे विद्यालय हैं जहां पे बच्चा जो है कम से कम 4-5-6 घंटे रहता है और वो सीखने की बहुत अच्छी जगह होती है, एक लेबोरेटरी है, तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक जो है योग कराया जाना चाहिए, मेडिटेशन कराए जाने चाहिए, आसन कराए जाने चाहिए, प्राणायाम कराए जाने चाहिए और बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी को पढ़ाना चाहिए और ईश्वर के जो भजन है वो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना के अंदर सर्वधर्म संभाव की बात की जानी चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करनी चाहिए, हमारे जो मानवीय मूल्य है, जो हमारी संस्कृति के मूल्य है उसके बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाना चाहिए। पर आज दुर्भाग्य है कि हम वैसा स्कूलों में नहीं कर रहे हैं, कॉलेजों में नहीं कर रहे, रट रट करके हम बड़े बड़े डॉक्टर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े सीए बना रहे हैं, लेकिन उसके जो है मानवीय पक्ष को देखें, उसकी इंसानियत को देखें तो इंसानियत का पार्ट उसमें से गायब होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति वर्तमान की है उसके अंदर भावनात्मक विकास जो है, हमारा जो कहना चाहिए इमोशनल कॉन्सेंट है वो गायब हो रहा था। और गुरुकुल प्रणाली को देखें तो गुरुकुल प्रणाली के अंदर जो इमोशनल कॉन्सेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ था कि बच्चे के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा और ईर्ष्या, मत्सर, इन भावनाओं को कोई स्थान नहीं था और अहंकार, इन चीजों को छोड़ने को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आजकल विद्वान बना बना करके हम अपने बच्चों को अहंकारी बना रहे हैं। वो बच्चे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आते हैं तो घर का छोटा बड़ा काम करने में बड़ी इंफीरियरिटी महसूस करते हैं। किसान का बच्चा, एक मोची का बच्चा और एक जो है कारपेंटर का बच्चा अपना घर का काम करने में शंका महसूस करता है, ये गलत चीज है। काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब काम होता है, उसको अपना जो होम साइंस है, घर का कार्यक्रम पैतृक है, हमारे ट्रेडिशनल कार्य है, ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वो करना चाहिए, यानी वो उसको श्रम प्रधान बनाना है। कुल मिला करके बच्चे को श्रमशील बना। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब आज मैं इस जो है हमारा एपिसोड है उसको आज की सिनेरियो से जोड़ता हूँ, आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसकी धारा से इसको जोड़ता हूँ और इसका निष्कर्ष निकालता हूँ कि बच्चों को संस्कार गायब होते जा रहे हैं। आज टीवी और जो है मोबाइल की संस्कृति है, बच्चा उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेता, वो गेम्स खेलता है या ऐसे ऐसे पाश्चात्य सभ्यता के वो सुनता है जिसका कोई जो पूंछ नहीं होता, सींग नहीं होता, लेकिन हमारी संस्कृति भगवान की संस्कृति है। मॉर्निंग का समय होता है, भजन सुनने का समय होता है, ध्यान करने का समय होता है और दूसरा है वो बड़ों को प्रणाम करने का समय होता है, वो संस्कृति सब गायब होती जा रही है। और बाकी का बच्चा दो ही काम करता है घर के अंदर, या तो मोबाइल छोड़ा तो टीवी पे आ जाता है, टीवी छोड़ा तो मोबाइल क्या रहा, ये हमारे लिए बहुत घातक है। इसी कारण से आज हम अच्छे इंसान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड से मैं पूरी 7 अरब की जनसंख्या से निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से हमारे माता पिता को, अभिभावकों से मेरा इस एपिसोड के माध्यम से नम्र निवेदन है कि बच्चे आपकी संपत्ति है, आप किस लिए धन कमा रहे हो, किस लिए भागा दौड़ी कर रहे हो किसी को पूछेंगे तो हर एक ही बताता है, बस बच्चे सुधर जाए, बच्चे अच्छे कमाने लग जाए, बच्चे अच्छे बन जाए, हम उनके लिए कर रहे हैं। बच्चा होने के बाद में व्यक्ति का माँ बाप का चिंतन बदल जाता है, वो सेक्रीफाइस चालू कर देता है, बचत चालू कर देता है और अपनी खुद की सुविधाओं को संकुचित करके बच्चों के लिए रिजर्व करना चालू कर देता है। तो जब इतना कर रहे हो और बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो तो फिर आपका वो इतना श्रम किस काम का है। तो बच्चों को धन नहीं दिया जाकर संतान को संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कार बहुत बड़ी पूंजी है, संस्कार एक बहुत बड़ा धन है, वो अच्छा इंसान बनाता है और अच्छे दिए हुए संस्कार बच्चों को जो है वो माँ बाप की अच्छी सेवा करते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप लगातार देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि अच्छा दिखाया जा रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमको प्रोत्साहन तब मिलेगा आप हमें वापस जो है फीडबैक देंगे और आप उसको देखेंगे, हमारी कमी को निकालेंगे तो हम अपनी कमियों को दूर करेंगे और इस कार्यक्रम को और सुंदर बना सकते हैं। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, संस्कारी हो, आपके प्रति शुभकामना, मंगल भाव।